हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस रेसिपी। ये एक वेजिटेबल टिक्का की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो डिनर में ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसा स्नैक्स के फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और ईजी टू प्रिपेयर है ये रेसिपी। सिंगल टिक्का में हमें केवल 50 कैलोरीज मिलता है और इसे हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें भी PCOD की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो भी आप इस रेसिपी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट रखा हुआ है। केवल आपको 3000 लाइक्स करना है फ्रेंड्स, 3000 लाइक्स करना है। 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम मसाला रेडी करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे 5 ग्राम का लहसुन ली हूँ। साथ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं मिर्ची ले रही हूँ। मिर्ची मैं 1 से 2 ले रही हूँ, आपको अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करना है। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक। अदरक मैंने 4 ग्राम के आसपास लिया हुआ है। थोड़ा धनिया पत्ती लिया है 10 ग्राम का। धनिया पत्ती आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। साथ में ये देख रहे हैं तो ये है ग्रीन पीस, ये मैं करीब यहाँ पर 40 ग्राम का ले रही हूँ। ग्रीन पीस की क्वांटिटी भी आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ये फ्रेश ग्रीन पीस है। चॉपर में इसे ऐड करके मैंने इसे एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो उस मोमेंट में आप क्या करिए कि इसे मिक्सर में ऐड करके इसको दरदरा सा थोड़ा सा पीस लीजिएगा। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, केवल आपको दरदरा सा पीस लेना है। देखिए इस तरीके से दरदरा सा आपको पीस लेना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल कटलेट बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले तो स्टील के बाउल में मैंने 1/2 कप का ओट्स ऐड किया है, 50 ग्राम से। ये अगर मैं आपको स्पून से बताऊं तो नियरली 8 बड़े चम्मच आपको ओट्स लेने पड़ेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। सो मैंने प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको फाइनली चॉप कर लीजिएगा। मैं 4 स्पून प्याज ऐड कर रही हूँ, इसका वज़न 40 ग्राम्स है। साथ में अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पम्पकिन या फिर कद्दू। सो मैं यहाँ पे 50 ग्राम का कद्दू ऐड कर रही हूँ। अगर इन द केस आपके पास कद्दू नहीं है तो आप इसमें लौकी को ग्रेट करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैरेट। सो मैंने एक जो मीडियम साइज़ का कैरेट होता है ना उसको ग्रेट कर लिया था, 40 ग्राम तक का है ये, और ये अभी हमें इसमें ऐड करना है। इसके बाद जो हमने ग्रीन पीस का मसाला बनाया था ना वो अभी हमें इसमें ऐड करना है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। फिर मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड की हूँ, अजवाइन आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें रेड चिली का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा जीरा भी इसमें मैंने ऐड किया है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सब्जियों में खूब सारा पानी होता है तो ये बहुत अच्छे ढंग से बाइंड हो जाएगा। और इससे जस्ट हमें कटलेट का शेप बना लेना है। सो बेसिकली इस बैटर से हम आराम से 6 कटलेट्स बना सकते हैं। और आप ये जो बैटर आप देख रहे हैं ना, इसको आप फ्रिज में भी स्टोर करके 2 दिन तक रख सकते हैं। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है फ्रेंड्स, मैक्सिमम 15 मिनट का समय लगेगा इसे बनने के लिए। सो अगर आपको मान लीजिए कभी इवनिंग के टाइम पे कुछ खाने की इच्छा होती है तो आप हेल्दी वे में आप इसे भी बनाकर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और ये जो सारे कटलेट है ना, अभी हमें इन्हें दोनों साइड अच्छे से इन्हें रोस्ट कर लेना है। हमारी जो हेल्दी वेजिटेबल कटलेट है ये बनकर रेडी है। सिंगल कटलेट में हमें 50.51 कैलोरीज मिल रही हैं। प्रोटीन 1.84 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 7.86 ग्राम है, फैट 1.01 ग्राम है और फाइबर 1.94 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये फ्रेंड्स। आप अगर इसे स्नैक्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो आप उस मोमेंट में 3 कटलेट जो है ये थोड़े से सैलेड के साथ में या प्याज के साथ में ले सकते हैं। अगर आप इसे डिनर में ले रहे हैं तो आप चाहे तो 5 से लेकर 6 कटलेट्स भी जो है ये आप अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे 4 कटलेट्स अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको 202 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 7.36 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 31.44 ग्राम, फैट 4.04 ग्राम और फाइबर 7.6 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। जब भी आप मेरे रेसिपीज़ बनाते हैं तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है dietkundli24। यहाँ पर भी मैं वेट लॉस टिप्स और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, आप चाहे तो मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।
इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर मैंने जो जो इंग्रेडिएंट इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज़ किया है वो इंसर्ट किया है और नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस किया है। जैसे ही प्रेस किया तो उसके बाद हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल गया है। सो आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आप डाइट कुंडली ऐप की मदद से ले सकते हैं। अगर आप इन सारी रेसिपीज़ को टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप डाइट कुंडली ऐप में जाके रेसिपी सेक्शन से यहाँ से भी आप इन रेसिपीज़ को ईजिली पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।